नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उतई के निजी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने किया करोड़ों रुपए का भूमि पूजन। बालोद जिले में स्थापित है एक अद्भुत मंदिर। स्वयं भूमि से निकले हैं भगवान श्री गणेश की मूर्ति। दर्शन करने के लिए भक्तों का लगा रहता तांता। स्लम बस्ती के लोग बारिश में जल भराव से है परेशान। भिलाई नगर निगम आयुक्त ने किया निरीक्षण। जिला अस्पताल में एक बड़ा हादसा होते टला। CMHO ऑफिस के पास गिरा 50 साल पुराना पेड़। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के उतई क्षेत्र में एक निजी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करोड़ों रुपए का भूमि पूजन किया। CM भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ में अब गोबर से बिजली बनेगी। सभी गौठानों को लघु उद्योग की तरह विकसित कर रहे हैं। बारिश होने से किसानों की चिंता दूर हो गई है। कलेक्टरों को दिए थे सूखे को लेकर निर्देश, अब चिंता वाली बात नहीं है। इस साल फसल अच्छी होगी। छत्तीसगढ़ियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, गौधान न्याय योजना से सुधरेगी स्थिति। भिलाई, रिसाली, चरोदा समेत 12 निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर CM भूपेश ने कहा, हम चुनाव चाहते हैं, आयोग करेगा फैसला। एक साल से पेंडिंग है चुनाव। महाराष्ट्र समेत अन्य इलाकों में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। छत्तीसगढ़ में पेंडिंग चुनाव को लेकर आयोग को करना है फैसला। चुनाव के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। आयोग जिस दिन कह देगा उस दिन चुनाव होगा, लेकिन कोरोना की स्थिति मद्देनजर इंतजार कर रहे हैं। कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन खत्म नहीं हुए। भाजपा पर प्रहार करते हुए CM ने कहा, बस्तर में भाजपा चिंतन करती है, निकलता है सिर्फ थूक। BJP के मानसिकता इतनी ही है। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। दाऊ उत्तम साहू जी के पुण्यतिथि के अवसर पर साहू समाज के द्वारा बड़ा आयोजन उतई में किया गया था, और इसमें क्योंकि गृह मंत्री जी का ये कार्य क्षेत्र भी है, निर्वाचन क्षेत्र है, और साहू समाज के द्वारा आयोजन, तो बहुत दिनों बाद भौतिक रूप से एक सभा को संबोधित करने का अवसर मिला, आप सबसे भेंट करने का अवसर मिला। और जहां उत्तम साहू जी के योगदान को याद किया गया, चाहे समाज सुधार के दिशा में हो, चाहे समाज के एकता के दिशा में हो, चाहे समाज के शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कुरूतियों के लेकर उन्होंने जो योगदान दिया, निश्चित रूप से अविस्मरणीय है, और उसको जितनी उसकी प्रशंसा की जाए कम है। बहुत बड़ा योगदान उत्तम साहू जी का रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो अब वो किसानों के बारे में नहीं बोल सकते, मजदूरों के बारे में नहीं बोल सकते, आदिवासी के बारे में नहीं बोल सकते, महिलाओं के लिए नहीं बोल सकते, नौजवानों के बारे में नहीं बोल सकते, वो धर्मांतरण की बात। 15 साल रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, उसी समय सबसे ज़्यादा चर्च बना। उस समय क्या करते रहे वो? यदि बना है उस समय बना है, जब मान लो कर्मा भवन किसी मोहल्ले में तब बनेगा जब साहू समाज वहाँ निवास करने लगेगा। मंदिर वहाँ तब बनेगा जब वहाँ हिंदू समाज रहना शुरू करेगा। यदि चर्च बनता है तो मुस्लिम समाज होगा, क्रिश्चियन होंगे तब बनेगा। मस्जिद या गुरुद्वारा तब बनेंगे जब मुसलमान या सिख उस मोहल्ले में रहना शुरू करेगा। तो यदि चर्च बना है, इसका मतलब ये है कि उस समय परिवर्तन हुआ है। और फिर किसी भी धर्म मानने के लिए कभी कोई बंदिश नहीं है। जबरिया कोई धर्मांतरण करे तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, यदि उसकी जानकारी मिले। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित आला नेता उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बालोद जिले के मुख्यालय में गणेश जी का एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान गणेश स्वयं भू स्थापित है। इस गणेश मंदिर की सबसे खास विशेषता यह है कि गणेश जी की मूर्ति जमीन के अंदर से निकली हुई है। ऐसा क्या खास है इस मंदिर में, आइए जानते हैं ग्रैंड न्यूज की इस खबर में। लगभग 70 वर्ष पूर्व बालोद नगर के वार्ड 8 में जमीन से एक मूर्ति प्रकट हुई, जिसे वहीं के निवासी स्व सुल्तान मल जी बाफना इस पर नजर पड़ी तो उन्होंने वहां एक टीम का शेड लगवा कर पूजा अर्चना शुरू कर दी। देखते ही देखते वह मूर्ति बढ़ती चली गई, और जैसे जैसे गणेश जी की मूर्ति बढ़ती चली गई, वैसे वैसे लोगों में आस्था भी बढ़ती नजर आई।
बताया जाता है कि इस मंदिर से आज तक कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटा। सच्चे मन से मांगी हुई हर मुराद यहाँ पूरी होती है। वहीं इस मंदिर में गणेश चतुर्थी पर 11 दिनों तक भक्तों का तांता लगा रहता है एवं कई तरह के आयोजन भी कराए जाते हैं। यह मंदिर बालोद के मरारपरा वार्ड नंबर 8 में स्थित है। यहाँ गणेश जी स्वयं हुए जमीन से प्रकट हुए हैं एवं यहाँ 11 दिन गणेश चतुर्थी का दिवाली जैसा माहौल रहता है एवं यहाँ पे रोज शाम 7:30 बजे महाआरती की जाती है। ढोल ताशे एवं संगीत में आरती की जाती है एवं हर बुधवार को यहाँ 7:30 बजे महाआरती की जाती है एवं यहाँ जो भी भक्त आता है वह कभी खाली हाथ नहीं जाता, उसकी इच्छा गणेश जी जरूर पूरी करते हैं। साल गणेश मंदिर पहले था मौर्या मंडल परिवार द्वारा संचालित है और विगत कई सालों से यहाँ पे अब लोगों की बहुत भीड़ यहाँ पर रहने लग गई है, मनोकामना उनकी पूर्ण होती है और उसके पीछे ही हम यहाँ पर जो है गरीब और निर्धन वर्ग लोगों के लिए, सामान्य वर्ग लोगों के लिए गणेश प्रसादम जो है भोजनशाला बहुत कम दर पे यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं और कुछ विशेष लोगों के लिए निःशुल्क भी रहेगा। ये हमारे भिलाई वाले बड़े पापा जो MC जैन जी हैं, मूलचंद जैन, उनके प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में जो है यह बन रहा है और 19 तारीख को इसका भी भव्य शुभारम्भ हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। हमारा मौर्या मंडल परिवार है, इसमें सभी भक्त आते हैं और अब प्रत्येक बुधवार को 7:30 बजे महाआरती की जाती है और गणेश भगवान का 11 दिन से दिवाली से भी बेहतर पूजा पाठ धूमधाम से सभी बच्चे से लेकर बूढ़े तक के किए जाते हैं। मंदिर के सदस्य एवं वार्ड पार्षद सुनील जैन ने बताया कि इस मंदिर प्रांगण में मौर्या मंडल का गठन किया गया है जिसके द्वारा हर बुधवार को ढोल ताशे के साथ शाम 7 बजे गणेश जी की महाआरती की जाती है जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। जोन 1 नेहरू नगर के कोसा नगर अंतर्गत क्षेत्र के स्लम बस्ती और निचली बस्ती के रहवासी बारिश के दिनों में जल भराव की समस्याओं से जूझ रहे हैं जिसे लेकर भिलाई के नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने स्लम बस्ती का निरीक्षण किया। बारिश के दिनों में जल भराव की स्थिति इस क्षेत्र में देखने को मिलती है, साथ ही नाला का पानी भी अधिक बारिश में सड़क पर बहने लगता है। दूसरा, यह मोहल्ला स्लम क्षेत्र है और सघन भी है। इन्हीं सभी कारणों से आज निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे इस क्षेत्र में मॉर्निंग विजिट के लिए निरीक्षण के प्रथम दिन पहुँचे। उन्होंने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। निगमायुक्त जब पहुँचे उस दौरान नाली सफाई की जा रही थी। आयुक्त ने निर्देश दिए कि नाली सफाई के तुरंत बाद मलबा को हटाकर उस स्थल में चूना एवं ब्लीचिंग का छिड़काव करें ताकि स्थल स्वच्छ रहे और कोई संक्रामक बीमारी का फैलाव ना हो। मोहल्ले के सकरी गलियों में होते हुए अमृत मिशन के तहत बिछाए गए वितरण पाइपलाइन से घरों में पानी आने की जानकारी ली। रहवासियों से उन्होंने पानी आने और वाटर मीटर के बारे में पूछा। कुछ रहवासियों ने बताया कि पानी का प्रेशर कम है। आयुक्त ने इस पर जल कार्य विभाग के अधिकारियों को इसके निराकरण के निर्देश दिए और इस प्रकार के क्षेत्रों को चिन्हांकित करने को कहा। कोसा नगर के नाला का निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि जल प्रभाव निरंतरता में होना चाहिए, नाला में कचरा ना फंसे इसका विशेष ध्यान रखा जाए, समय समय पर तथा आवश्यकता अनुसार नाला से कचरा की सफाई होते रहे। उन्होंने कोसा नगर के सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण किया। शौचालय के बाहर पुरुष एवं महिला का संकेतक पृथक से लिखवाने के निर्देश दिए। शौचालय की साफ सफाई उन्होंने देखी। शौचालय के केयर टेकर उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे जिस पर आयुक्त ने नाराजगी जताई और केयर टेकर को नोटिस जारी करने के निर्देश स्वास्थ्य अधिकारी को दिए। देखिए, नवनियुक्त आयुक्त महोदय द्वारा जो है आज स्लम बस्ती और जो निचली बस्ती हैं उनका निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो नाली सफाई के बाद में तत्काल जो मलबा रहता है उसको हटा लें और चूना और ब्लीचिंग का छिड़काव करें ताकि और कोई बीमारी न फैले। इसके अलावा उन्होंने पेयजल की स्थिति देखी। अमृत मिशन के तहत जो पाइपलाइन बिछाए गए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन है, उनके घरों में जा करके उन्होंने पानी आने का जायजा लिया। कुछ घरों में पानी का प्रेशर कम आ रहा था तो वहाँ पर के स्थल का जोन आयुक्त को निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं और रिपोर्ट मांगे हैं। इसी प्रकार से उन्होंने जल भराव को देखते हुए, चूँकि बारिश का मौसम हो रहा है और जल भराव की स्थिति में जो कोसा नाला है वो बहुत जल्दी भर जाता है और डाउन एरिया है, वहाँ पहुँचे और वहाँ पर मैं नाली सफाई के निरीक्षण दिए।
इसके अलावा जो शौचालय बगल में स्थित है वहाँ पे निरीक्षण के लिए पहुँचे और वहाँ जो केयर टेकर नदारत है उनको नोटिस देने के निर्देश उन्होंने दिए। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा, जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना एवं प्राधिकारी स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी सहित अन्य मौजूद रहे। कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जिला अस्पताल में एक बड़ा हादसा होते होते टला है। घटना CMHO ऑफिस के पास का है, जहां लगातार तेज बारिश और हवाओं के कारण 50 साल पुराना पेड़ गिरने से अस्पताल के मर्चुरी तक जाने वाले मार्ग अवरुद्ध हो गए। जिला अस्पताल में आज तड़के एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जिला अस्पताल परिसर में स्थित CMHO ऑफिस के करीब एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़कर धराशायी हो गया, जिससे मुख्य मार्ग से मर्चुरी जाने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया। हालांकि हादसे के वक्त मार्ग पर किसी प्रकार की आवाजाही नहीं होने के कारण किसी प्रकार की हानि होने की जानकारी सामने नहीं आई है। पेड़ गिरने से अवरुद्ध हुए मार्ग पर भी लोग जान जोखिम में डालकर पेड़ के नीचे से निकलते नजर आए। घटना का कारण बीती रात हुई अनवरत बरसात को माना जा रहा है। धराशायी हुए पेड़ के उम्र 50 वर्ष से अधिक बताई जा रही है। इस पेड़ का सहारा CMHO ऑफिस परिसर में अवैध कब्जा कर दुकानों का संचालन करने वालों द्वारा छत पर डाले जाने वाले तिरपाल को बांधने के लिए किया जाता था। फिलहाल पुलिस निगम प्रशासन द्वारा पेड़ को हटाए और मार्ग पर आवागमन को व्यवस्थित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। कन्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला वैशाली नगर में 14 से 18 तारीख तक महिलाओं को सशक्तिकरण के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 14 तारीख को मूर्तिकला का आयोजन किया गया, साथ ही साथ मशहूर कैरियर काउंसलर किशोर दत्ता को आमंत्रित किया गया। शासकीय उच्चतर कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला वैशाली नगर में 14 तारीख से 18 तारीख तक महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत रोटरी क्लब के सहयोग से कार्यक्रम हो रहे हैं। अलग अलग तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं। हमने 14 तारीख को मिडिल स्कूल की छात्राओं के लिए मूर्तिकला सिखाया और उसके बाद उस रोज हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चियों ने हिंदी दिवस मनाया। कल आज जो है कैरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम था, जहां हमने हमारे बहुत प्रसिद्ध कैरियर काउंसलर श्री किशोर दत्ता जी को आमंत्रित किया गया था। और हमारे कार्यक्रम की आज मुख्य अतिथि श्रीमती सरिता साहू जी थी। और विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो बच्चों के मन में चलते रहते हैं कैरियर से संबंधित, बहुत अच्छे से छात्राओं ने उन सारे प्रश्नों को पूछा और उनको उचित समाधान भी आमंत्रित अतिथि जो हमारे थे श्री किशोर दत्ता जी ने उन्होंने उनका समाधान भी बताया। कैरियर से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो बच्चों के मन में चलते हैं कि इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन के अलावा क्या क्या है, तो एक नई नई चीज़ें उन्होंने पूछी। किसी बच्ची को वॉइस ओवर क्या होता है, उसमें क्या स्कोप है उस बारे में। किसी ने पूछा कि आगे टीचर बनना चाहते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। किसी ने पूछा कि आपके जैसे हम मैं काउंसलर बनना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूछी और अभी रुझान जो दिखा वो ये दिखा कि बच्चे जो हैं वो लॉ की तरफ भी जाना चाहते हैं, तो उससे उनको भी गाइडेंस मिला उस बारे में कि किस प्रकार से अगर वो लॉ की तैयारी करना चाहते हैं तो क्या क्या माध्यम से और कैसे कैसे परीक्षा देकर वो जा सकते हैं। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती सरिता साहू थी। बच्चों के मन में जो अपने भविष्य को लेकर प्रश्न चलते रहते हैं उनका किशोर दत्ता ने समाधान बताकर बच्चों को मार्गदर्शन दिया। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोमे से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ दो यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ चार वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई।
और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Barat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वर्तमान में पूरे जिले में पॉलीथीन और प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है। बावजूद इसके जिले के सभी शराब दुकान के आसपास संचालित हो रहे वैध और अवैध चखना सेंटरों में धड़ल्ले से प्रतिबंध डिस्पोजल ग्लास, पानी पाउच इत्यादि का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे लेकर प्रशासन अभी तक गंभीर नजर नहीं आ रही। यह सब शासन प्रशासन के नाक के नीचे से चल रहा है और इन्हें इतनी भी फुर्सत नहीं कि अपने द्वारा जारी किए गए फरमान की इज्जत बचा सकें। जिस भी जगह पर शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं, वह पूरा परिसर और आसपास का क्षेत्र इन प्रतिबंधित पॉलीथीन से ढका हुआ होता है। दूर से यह दृश्य कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे बेमौसम बर्फ की चादर बिछाई गई हो। अब बात करें इस पर कार्रवाई की, तो नगर पालिक निगम भिलाई में एक उड़न दस्ता की टीम बनाई गई थी जो कि पूरी ईमानदारी से अपने कार्यों को अंजाम दे रही थी और ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए भारी भरकम जुर्माना भी वसूल रही थी। और यह जुर्माने की राशि नगर पालिक निगम भिलाई के उसमें जा रहे थे, परंतु कुछ व्यापारियों के अड़ियल रवैये के वजह से उनके द्वारा लगातार उड़न दस्ते के खिलाफ शिकायतें की जा रही थी, जिसकी वजह से नगर पालिक निगम भिलाई प्रशासन ने उड़न दस्ता टीम को भंग कर दिया, जिसके बाद ऐसे व्यापारी जो इन प्रतिबंधित पॉलीथीन प्लास्टिक का व्यापार करते थे उनकी फिर से बल्ले बल्ले हो गई और आज स्थिति आपके सामने है। गौरतलब है कि पूरे भारतवर्ष में पॉलीथीन को बैन इसलिए किया गया था कि इसके दुष्प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या बढ़ रही थी, जिसका खुलासा देश के वैज्ञानिकों ने भी किया था। वर्तमान में चल रहे हैं प्रतिबंधित पॉलीथीन के उपयोग को रोकने के लिए। नगर पालिक निगम प्रशासन क्या कार्यवाही कर रहा है, इसकी जानकारी हमने नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा से लेनी चाहिए। आप भी सुनिए ये क्या कहते हैं। देखिए, शराब दुकानों के पास में जो आता लगाते हैं और जो वहाँ पे मदिरा सेवन करने आते हैं, उनके द्वारा गंदगी
फैलाए जाने के मामला आपके माध्यम से संज्ञान में आ रहा है, और नियमित रूप से जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो डिस्पोजल और ऐसे प्लास्टिक को हटाते हैं, और इसके अलावा जो जुर्माने की कार्रवाई भी करते हैं हाथा से, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो बैन है उसके तहत भी हमने जुर्माना लिया है, हमारी कार्रवाई निरंतर जारी है। और ऐसा होता है कि जब एक दिन सफाई किया जाता है उसके दूसरे दिन भी यही स्थिति हो जाती है। कई बार हमने औचक दबिश देकर ऐसे डिस्पोजल पानी पाउच और इस टाइप के सिंगल जो यूज़ प्लास्टिक करते हैं उन पर कार्रवाई की है, और ये कार्रवाई जो है निरंतर जारी है। सर, अभी तक कितने शराब की होंगे भट्टियों में इस टाइप? निगम क्षेत्र में जितने शराब दुकानें हैं जहाँ पे इस प्रकार समस्या आती है गंदगी की, वहाँ पे सतत जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो सफाई करके इस पर निगरानी रख रही है। देखिए, अवैध जो जगह है उसके मामले की जाँच कराई जाएगी, और यदि अवैध है तो वो जब रिपोर्टिंग होगी उसके अनुसार से जो विभागीय कार्रवाई होगी, अग्रिम कार्रवाई वैसे किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बीते वर्ष डेंगू के कहर के विकराल रूप को देखने के बाद भी नगर पालिक निगम भिलाई सबक नहीं ले रहा है। यह प्रशासन आज भी सिर्फ लोगों के घरों में जाकर क्लोरो एवं अन्य छोटे मोटे बर्तनों से भरे हुए बरसात के पानी को निकालने में लगा हुआ है और जुर्माना की राशि वसूल रहा है। यह दूसरा नज़ारा भी शराब की दुकान के परिसर का ही है, जहां गड्ढों में बरसात का पानी जमा होता है, और यह शराब दुकानें खुलने से लेकर बंद होने तक ग्राहकों से गुलजार हुआ करती हैं। क्या इन ग्राहकों को डेंगू की मार खाने के लिए छोड़ दिया गया है, यह भी डेंगू से बच सकें? नगर पालिक निगम भिलाई या जिला प्रशासन की कार्रवाइयों को देखते हुए यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि व्यवस्था आज भी कितनी लचर है, क्योंकि शराब बिक्री केंद्र आबकारी विभाग के अंतर्गत आने के बावजूद आबकारी विभाग भी गहरी नींद में सोया हुआ है। अब शायद शासन प्रशासन को कोई बड़ी घटना ही गहरी नींद से जगा सकती है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जैन धर्म द्वारा श्री दिगंबर जैन मंदिर दुर्ग में 10 दिवसीय दशालक्षण महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर में समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर पूजन में हिस्सा ले रहे हैं। जैन धर्म के महापर्व पर्युषण पर्व पर दशालक्षण महापर्व का 10 दिवसीय आयोजन दुर्ग के श्री दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जैन समाज के लोगों द्वारा प्रतिदिन पूजन, अभिषेक, शांति धारा का भक्तिमय पूजन के साथ आनंदमयी वातावरण में भगवान श्री महावीर जी का पूजन किया जा रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोग आस्था के साथ श्री दिगंबर जैन मंदिर पहुंच अपनी साधना में लीन नजर आए। दश धर्म में क्षमा, मार्दव, आजर्व, उत्तम शौच, सत्य, संयम, तप और त्याग, आकिचनय व ब्रह्मचार्य जैसे उपदेशों के बारे में तीर्थराज समेत शिखर से पधारे 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम शिष्य श्री अरविंद भैया जी के द्वारा सन्मार्ग प्रदान किया जा रहा है, जिसमें अमित भैया जी के द्वारा मंगला प्रवचन किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर एवं भिलाई निगम प्रशासन के निर्देश पर भिलाई के सभी जोन में जन समस्या निवारण शिविर प्रारंभ किया गया है, जो 30 सितंबर तक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। शिविर के प्रथम दिन निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने व्यवस्थाओं एवं प्राप्त हो रहे आवेदन के निराकरण को लेकर शिविर स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रत्येक योजनाओं के लिए पृथक से पंजी संधारित करने के निर्देश दिए। जब आयुक्त शिविर स्थल में पहुंचे तब महापौर परिषद के पूर्व सदस्य जी राजू ने पूर्व शिविर में दिए गए आवेदन के मजदूर कार्ड प्राप्त नहीं होने की समस्या बताई, जिस पर त्वरित रूप से आयुक्त ने शिविर स्थल से ही श्रम विभाग के अधिकारियों से बात की और निगम को निर्मित हो चुके मजदूर कार्ड की सूची शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा। निगम आयुक्त ने शिविर में संलग्न सभी कर्मचारियों से प्राप्त आवेदन की जानकारी ली और अधिकारियों को निराकरण योग्य आवेदनों को त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए और निराकरण के पश्चात आवेदक को सूचित करने को कहा। आयुक्त के निर्देश के पालन में आज के शिविर में त्वरित निराकरण योग्य 17 आवेदन की समस्याओं का समाधान किया गया। आज वार्ड क्रमांक 20 हमारे वार्ड प्रगति नगर में जन समस्या निवारण के तहत शिविर प्रारंभ किया गया, जिसमें वार्ड की जनता ने अपने मूलभूत समस्याओं को और
जैसे कि राशन कार्ड, पट्टा से संबंधित मजदूर कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सारे ही समस्याओं को आज यहाँ पर पत्र के द्वारा दिया गया और लगभग लगभग बड़ी संख्या में लोगों ने आकर आज अब इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए आवेदन दिया। ये शिविर जन समस्या निवारण शिविर है जिसमें पब्लिक की आम जनता की समस्याओं का समाधान किए जाने हेतु लगाया गया है। शिविर का समय सुबह 10 से लेकर दोपहर 2 बजे तक है, जिसमें जन समस्या निवारण शिविर के तहत हम जनता की विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे राशन कार्ड से संबंधित, पेयजल से संबंधित, बिजली है, सफाई है, पानी है, इस प्रकार की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उक्त शिविर का आयोजन कमिश्नर साहब एवं कलेक्टर साहब के आदेशानुसार पर आगामी चुनाव को देखते हुए रणनीति के तहत किया जा रहा है। देखिए माननीय प्रशासक महोदय और कलेक्टर महोदय तथा आयुक्त महोदय के निर्देश पर जन समस्या निवारण शिविर प्रत्येक वार्ड क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है, जिसका आज प्रथम दिन था, जिसके तहत में माननीय आयुक्त महोदय द्वारा जन समस्या निवारण शिविर का निरीक्षण किया गया है और मजदूर कार्ड को लेकर एक पार्षद ने संज्ञान में लाया कि मजदूर कार्ड जो है वो पहले भी दिया हुआ था, जिसकी रसीद है, और मजदूर कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। चूँकि निगम भिलाई जो है आवेदन लेकर के श्रम विभाग को प्रेषित करता है, तो माननीय आयुक्त महोदय ने तत्काल रूप से श्रम विभाग के अधिकारियों से चर्चा की और मजदूर कार्ड जल्द ही उपलब्ध कराने पार्षद महोदय को बताया गया। और इसी प्रकार से जो है आज से लेकर के 30 तारीख तक हर वार्ड में जो है जन समस्या निवारण शिविर आयोजित होगा। ये सेक्टर क्षेत्र में भी आयोजित हो रहा है। आज प्रथम दिन में आयुक्त महोदय द्वारा व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण किया गया है। जन समस्या निवारण शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सहायता पेंशन, दिव्यांग जनों को उपकरण, राशन कार्ड, श्रम विभाग पंजीयन, मजदूर कार्ड, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, नल जल योजना, सीमेंट सड़क नाली, जल प्रदाय, प्रकाश व्यवस्था, भवन निर्माण, आबादी पट्टा, सीमांकन नामांकन, नल कनेक्शन, अतिक्रमण से संबंधित, सफाई से संबंधित तथा अन्य कार्यों के लिए आवेदन किया जा सकता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। 16 साल की किशोरी को शादी का झांसा देकर एक युवक अपने साथ भगा ले गया और नाबालिग के साथ अनाचार किया। इस अपराध में अदालत ने युवक को दोषी करार कर 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। प्रेम प्रसंग के चलते 16 साल की किशोरी को साथ भगा ले जाने और शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी को अदालत द्वारा दोषी करार दिया गया है। प्रकरण में दिलचस्प बात यह है कि किशोरी ने विचारण के दौरान आरोपी के साथ स्वेच्छा से जाने की बात स्वीकार की थी। इसके बावजूद न्यायालय ने किशोरी के नाबालिग होने की स्थिति के मद्देनजर फैसला सुनाया है। नाबालिग को उसके परिजनों की सहमति के बिना ले जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत कुल 16 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सरिता दास की अदालत में सुनाया गया है। साथ ही पीड़ित को प्रतिकर के रूप में 4 लाख रुपए की राशि प्रदान किए जाने का आदेश दिया है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने पैरवी की थी। मामला अंडा थाना क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र के एक ग्राम की 16 वर्षीय किशोरी 12 फरवरी 2017 की रात घर से अचानक लापता हो गई थी, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस में की थी। परिजनों ने पुलिस को बताया कि किशोरी कक्षा 9वीं की छात्रा थी और घर के ऊपर के कमरे में रात 10 बजे तक रोजाना पढ़ाई करती थी। घटना की रात को किशोरी की माँ उसे सोने के लिए बुलाने कमरे में गई तो किशोरी लापता थी। काफ़ी पूछताछ करने पर किशोरी के बारे में जानकारी नहीं मिलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने लापता की तलाश प्रारंभ की थी। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि किशोरी को अरुण कुमार जांगड़े 21 वर्ष के साथ देखा गया है, जिसके आधार पर पुलिस ने अरुण के घर में दबिश देकर किशोरी को बरामद किया था। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि वह स्वेच्छा से आरोपी के साथ गई थी और वह युवक से शादी के लिए घर से भाग गई थी इस दौरान युवक उसे विभिन्न स्थानों पर ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। हाँ, ये पुलिस थाना अंडा का मामला है। ये घटना 2017 की है, जिसमें माननीय
फास्ट ट्रैक प्रथम मैडम सरिता दास द्वारा आज फैसला सुनाया गया है, जिसमें आरोपी को 10 वर्ष तक के कारावास से दंड दिया गया है। इसमें जो पीड़िता है 16 वर्ष की किशोरी थी, जिसे बैलाप उछलाकर अपने साथ मोटरसाइकिल में ले गया था। बचाव पक्ष ने बताया कि पीड़िता स्वेच्छा से गई थी, किंतु अभियोजन के द्वारा यह बताया गया कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी, जिसे वह बैलाप उछलाकर ले गया था, इसलिए उसके पीड़िता के कंसर्न का कोई औचित्य नहीं है। इस आधार को माननीय विचारण न्यायालय ने मानते हुए आरोपी को 10 साल के कारावास से दंड दिया है और आर्थिक दंड से भी दंडनीय किया है। पीड़िता को 4 लाख का क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश किया है, जिसमें 50,000 FD करना है, 50,000 प्रदान करना है और 3.5 लाख रुपये FD किया है। पुलिस ने आरोपी अरुण जांगड़े को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया था। प्रकरण पर विचारण विशेष न्यायाधीश सरिता दास की अदालत में किया गया। मामले के आरोपी अरुण कुमार जांगड़े को नाबालिग को बहला फुसला कर अपहरण करने की धारा 363-366 के तहत 3-3 वर्ष के कारावास व 500-500 रुपये के अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 10 वर्ष कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। ATM मशीन से छेड़छाड़ कर रुपए निकालने वाले 2 शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से अलग अलग 9 लोगों के ATM कार्ड बरामद हुए। ATM कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शन के दौरान ATM से छेड़छाड़ कर रुपए निकालने वाले शातिर आरोपियों को कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। बीते दिनों भारतीय स्टेट बैंक शाखा के प्रबंधक राजीव कुमार सिंह ने पुलिस को एक लिखित शिकायत देकर कहा था कि भारतीय स्टेट बैंक के ATM से छेड़छाड़ कर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अलग अलग ATM से रकम निकाला गया है। आरोपियों के द्वारा कुल 14,50,400 रुपये फर्जी तरीके से ATM मशीन के माध्यम से प्राप्त किया गया। मामले की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम जाँच में जुटी। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से पता चला कि नए बस स्टैंड के ATM के सामने 2 संदेही दिखाई दे रहे हैं। सूचना के आधार पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों संदिग्ध पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसके बाद उन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उनके द्वारा अलग अलग ATM कार्ड के माध्यम से SBI के ATM में जाकर रुपये ट्रांजेक्शन किया जाता था। रुपए निकालने से पहले ही रोक दिया जाता था, जिससे ट्रांजैक्शन सफल नहीं दिखाई देता था, जबकि पैसे निकल जाते थे। इस तरह से वे बैंकों के साथ धोखाधड़ी करते थे। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रज्ञा मिश्राम ने कहा कि ATM से ट्रांजैक्शन के दौरान छेड़छाड़ कर पैसे निकालने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। SBI के बैंक मैनेजर द्वारा एक लिखित शिकायत की गई है कि बैंक के ATM से छेड़छाड़ करके 14,500 रुपये की जो है रकम जो है ठगी की गई है, और इसके संदर्भ में जो है संवेदनशीलता से लेते हुए हम राजनांदगांव पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। 2 आरोपियों द्वारा ATM से पैसे निकाल रहे हैं की प्रक्रिया को करते हुए इस दौरान वो जो है मशीन के साथ छेड़छाड़ करते हैं और पैसे का ट्रांजेक्शन को रोक करके फिर बैंक को ये सूचित करते हैं कि हमारे द्वारा पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं लिया गया है, और बैंक से भी पैसे ले लेते हैं और ATM से भी पैसे ले लेते हैं। इस प्रकार से इनके द्वारा ठगी की जा रही थी और जिसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस की गिरफ्त में आए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला निवासी मनीष यादव और विकास यादव ने पुलिस को बताया कि बीते 12 सितंबर को उन्होंने कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस चौक के SBI ATM से 20,000 रुपये निकाले थे और इससे पहले भी कई ATM से रुपए निकाले हैं। पुलिस की गिरफ्तार में आए इन शातिर आरोपियों के द्वारा ATM ट्रांजैक्शन के दौरान बीप की आवाज़ आने के बाद निकल रहे रुपयों को रोक दिया जाता था और उसके बाद इन रुपयों को वह हासिल कर लेते थे। वहीं जिस ATM से ट्रांजैक्शन किया जाता था उसमें ट्रांजैक्शन फेल दिखाकर पैसा वापस खाते में आ जाते थे,
इस तरह से आरोपियों द्वारा बैंक के साथ धोखाधड़ी की जाती थी। पुलिस ने पकड़े गए इन आरोपियों के पास से 9 एटीएम कार्ड जब्त किए हैं, जो अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर हैं। इन 9 एटीएम कार्ड के खाते में जमा 33,659 रुपये को पुलिस ने ब्लॉक करवा दिया है। वहीं इसके गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की संलिप्तता को भांप कर पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 420 और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सर्व सेन समाज द्वारा बेमेतरा जिले में निर्विरोध पद का चुनाव कर रवि सेन को अध्यक्ष बनाया गया। इस चुनाव में समाज के सभी वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। बेमेतरा जिले के टाउन हॉल में सर्व सेन समाज द्वारा कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष समेत जिले भर के सर्व सेन समाज के लोग उपस्थित होकर अपनी अपनी बातें रखे। नव निर्वाचित अध्यक्ष रवि सेन ने कहा, जिले में घर घर जाकर समाज के लिए सेन समाज को जागरूकता दिलाएंगे। समाज हित के लिए नई योजनाओं पर कार्य किया जाएगा। सेन समाज की पुस्तैनी कार्य जैसे दोना पत्तल की भी योजनाओं पर कार्य करने की बात कही। जिला अध्यक्ष रवि सेन ने अध्यक्ष पद संभालते ही जिले में सेन समाज के हित के लिए विकास कार्य करने की बात कही। अध्यक्ष, मैं बहुत अपने आप को गर्व है मुझे और मेरे जिले के सजाती बंधुओं से, जो मनोनीत ढंग से जिला का अध्यक्ष मुझे चुना गया है। और मैं समाज में मजबूती और एकता लाने का पूरा कोशिश करूंगा। समाज को आगे बढ़ाने का मेरा ये काम रहेगा और समाज में जो भी शासन प्रशासन का योजनाएं आता है कहीं पे किसी न किसी ढंग से, तो मैं उसको समाज के हित में समाज तक, समाज के लोगों तक पहुंचाने की पूरा कोशिश करूंगा। छत्तीसगढ़ प्रांत से नई समाज पंजीयन क्रमांक 81 का अभी पूरे प्रदेश में एक अभियान चल रहा है कि हमारे समाज के लोगों को गांव-गांव तक जा कर के चूल्हा पीछे यानी घर घर जा कर के एक संदेश देने का कि हमारा समाज संगठित है और समाज गंगा में आप भी आकर के डुबकी लगाए। इसी प्रयोजन के तहत आज बेमेतरा जिला का यह 13वां चुनाव है। हमारे जिला का जो छत्तीसगढ़ प्रांत का 13वां जिला का चुनाव था आज, जिसमें समाज के लोगों ने पूरे जोशो खरोश के साथ में, पूरे उत्साह के साथ में अपना निर्वाचन में हिस्सा लिया। और बहुत बहुत बधाई के पात्र बेमेतरा जिला, जहाँ पर पूरे ब्लॉक, जो भी 5 ब्लॉक बेमेतरा जिला के अंतर्गत आता है, 5ों ब्लॉक के हमारे लोगों ने एक समन्वय बनाया और समन्वय बना करके निर्विरोध रूप से भाई रवि सेन जी को अपना जिला अध्यक्ष चुना है। इसके लिए मैं जिला सेन समाज बेमेतरा को बधाई देता हूं और पूरे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे समाज के हर जो नीति रीति, जिस उपदेश को लेकर के समाज आज चल रहा है, उसको गांव-गांव तक रवि भाई के माध्यम से हम पूरे बेमेतरा जिला में पहुंचाएंगे। और इसी क्रम में अगला पड़ाव हमारा महासमुंद जिला का चुनाव है और रायपुर जिला का चुनाव है। और हम लगातार समाज को संगठित करने के लिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अपनी मांगों को लेकर के, जो हमारा पैतृक धंधा रहा है, चाहे दोना पत्तल से लेकर के शादी ब्याह वगैरह में सभी जगह पे जाते हैं, तो हमारा मूल्य निर्धारण नहीं रहता है। इसी तरह से हमारा बहुत बड़ा जीवंत मुद्दा है, वह है अनाज का। जो अनाज हम किसानों से, किसान खेत से अनाज लाते हैं और हम किसानों के यहाँ से अनाज लाते हैं, तो किसानों का अनाज तो सरकार समर्थन मूल्य पर 2500 रुपये क्विंटल में खरीदता है, लेकिन सेन समाज के जो भाई गांव गवाई में काम करते हैं, उनके अनाज को दलाल के पास में आधे कीमत में बेचने पे मजबूर रहते हैं। यह हमारा बहुत प्रमुख मांग रहेगा, क्योंकि एक एक सेन भाई को कम से कम वर्ष में 15,000 से 20,000 रुपये के लगभग नुकसान होता है और उसके कारण से हम आर्थिक तंगी से हमेशा जूझते रहें और शोषित होते रहें। समाज को एक सूत्र में बांध कर रखने का पूरा प्रयास करूंगा। सेन समाज में कोई भी बड़ी छोटी बात हो, उसे भी शरीक होकर सेन समाज की हर प्रकार की सहयोग व सहायता करता रहूंगा। समय समय पर समाज के हित के लिए नए नए योजनाओं पर कार्य किया जाएगा। सर्व सेन समाज द्वारा लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित होकर समाज को एक सूत्र बांधने की शपथ भी लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।